बढ़ाएंगी रुतिका सिंह और सपना शुक्ला। तो दो ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनके विभाग को लेकर चर्चा भी बहुत होती है, राजनीति भी बहुत होती है, और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा राजस्व भी इन्हीं दो विभागों से जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। आप लोग माइक ले लो प्लीज, माइक। मैं ठीक कह रही हूं संजय सर? हाँ जी। सबसे ज्यादा राजस्व अगर आता है तो आप ही के विभाग से आता है, क्योंकि गन्ना ऐसे तो राजनीति के केंद्र में भी रहता है, लेकिन गन्ने को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत, हालांकि बहुत हद तक दूर कर दी गई 90%, सबसे बड़ी दिक्कत है कि भुगतान अभी भी कई मील द्वारा देर से किया जा रहा है। सरकार उस पर कैसे काम कर रही है और आपका विभाग कैसे काम कर रहा है? देखिए, 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की तैनाती की थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि गन्ना विभाग में ये जो समस्या पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से आ रही है, इसको आप तुरंत ठीक करिए। और 2017 में हम लोगों ने एक नया विधिक व्यवस्था दिया, एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म। उस एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी गन्ना खरीदेगा चीनी मिल, और उसके जो भी उत्पाद होगा, उसमें चीनी है, शीरा है, बगास है, प्रेसमड है, इथेनॉल है, सैनिटाइजर है, जो भी बनेगा, वो पैसा पूरा का पूरा जब वो बेचेंगे तो पैसा उस एस्क्रो अकाउंट में आता है, और उसमें से 85% पहले गन्ना मूल्य भुगतान में किसान के डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट किया जाता है, और बाकी 15% चीनी मिल को, उनको चीनी मिल चलाने के लिए दिया जाता है। उसका फर्क ये हुआ कि चीनी मिल प्रबंधन, उसको डाइवर्ट करना, रोकना, जो पिछले कई दशकों में समस्या थी कि एक एक डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल, तीन तीन साल बाद भुगतान होता था, ये पूरी समस्या को का अंत हुआ। और उसी के चलते पिछले 5 साल में हम लोग 2,03,511 करोड़, कल शाम तक हम लोग गन्ना किसानों के 46 लाख गन्ना किसानों के खातों में सीधा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कर पाए। और हमने देखा भी था कि गन्ना किसानों के बकाया को लेकर किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था, किसानों की मुख्य तौर पर यही मांग थी। लेकिन देवेश सर, मेरा सवाल ये है, क्योंकि किसानों की समस्या हमेशा से रही है किसी भी सरकार में, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, 6 साल योगी सरकार को हो चुका है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कैसे किसानों की समस्याओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए? नहीं, आपने ठीक कहा। सबसे मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि किसानों को जो भी उनके इनकम को डबल करने का माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि इनकम दुगनी की जाए, और राज्य में भी मुख्यमंत्री जी का भी ये संदेश था कि उसी अनुसार कार्रवाई हो, तो कई सारी योजनाएं इस तरह की आरंभ की। सबसे सफल योजना जिसको हम लोग मानते हैं इस दिशा में, वो है प्रधानमंत्री किसान योजना, और जो निधि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसमें प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक कृषकों को लाभ मिला है। और लाभ इस तरह से मिला है कि उनके खाते में सीधे 6,000 रुपये हर वर्ष 2-3 किस्तों में चला जाता है, 3 फसल चक्र हम माने, और उससे उनको, और ये सर्वे में भी और ये निकल के आया है कि उससे उनको रोज़मर्रा की जो किस खेती किसानी में ज़रूरत होती है उसका लाभ होता है, और बिना किसी मिडलमैन और उसके चला गया है। और ये योजना 3 वर्ष से चली, और प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में देखें तो कम से कम 1/5 हिस्सा लाभार्थियों का जो है उत्तर प्रदेश में उसको पैसा मिला है। एक ये, और दूसरा जो आय बढ़ाने के लिए जो अन्य योजनाएं चली हैं, विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा जो कृषि उत्पादन संगठनों को बढ़ावा देने की जो एक योजना चली है, और जो डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण का कार्य हुआ है, उससे इनकम हमारे किसान और कृषकों की इनकम बढ़ाने में बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। जी संजय जी, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट को भी आप देख रहे हैं, और एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब योगी सरकार ये कहते हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे, तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा, अब तक कितना आप दे चुके हैं अपने डिपार्टमेंट से पैसा, और कितना लक्ष्य रखा था, और कितने से ज्यादा आगे बढ़े हम? देखिए, जब 2016-17 में जो हम लोग का आय था वो 14,500 करोड़ था, और उसको फिर बढ़ा करके 17-18 से फिर जब नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन शासन ने किया, और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि माफिया राज को पूरा समाप्त किया जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार से जोड़ा जाए और इससे इसको ठीक किया जाए। पिछले साल हम लोग 31 मार्च को वो जो 14,500 करोड़ था वो बढ़ करके 36,321 करोड़ हम लोग दे पाए, और इस बार हम लोग 42,000 करोड़ करेंगे और अगले साल हमारा 59,000 करोड़ का लक्ष्य है। पहले आबकारी विभाग जो 4-5 मुख्य विभाग होते थे, राजस्व के, जीएसटी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, आबकारी इत्यादि, उसमें चौथे नंबर पे होता था। आज आबकारी विभाग नंबर 2 पे है, जीएसटी के बाद सबसे बड़ा राजस्व अर्निंग डिपार्टमेंट हो गया है। और जितने भी लीकेजेस थे और जो अवैध शराब का कारोबार था या हरियाणा पंजाब से बिना ड्यूटी पे किए स्मगल्ड वाले हरकतें होती थी, उस सबको एनफोर्समेंट के माध्यम से रोका गया। तो जो पूरा प्रदेश में विधि व्यवस्था को विधिक रूप से स्थापित किया गया, उसका यह नतीजा है। देवेश जी, अभी भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव दिया गया कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए, जिसका समर्थन भी कई देशों ने किया है। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पर कदम बढ़ाने के लिए अभी फिलहाल कितनी तैयारी आप लोगों की है? देखिए, ये बहुत उत्साहवर्धक कार्य शुरू हो गया है पिछले 3-4 माह में। आप जानते हैं मिलेट्स जो है वो एक समय हम लोग की क्या कहते हैं खान पान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद गेहूं और चावल आधारित हम लोग का भोजन हो गया। और जो देखने में आया है, जो वेस्टिंग और स्टंटिंग का जो कारण पाया जा रहा है, वो ये नहीं है कि हमारे पास खाद्यान्न की कमी है या खाने की कमी है, संतुलित भोजन की कमी की वजह से ये हो रहा है। तो उसको देखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि अभी भी हमारे प्रदेश में, देश में रेनफेड एरिया बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर के लिए ये जो जिसको अब श्रीअन्न का दर्जा दिया गया है, न्यूट्री सीरियल्स का अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कोर सीरियल्स, इसको न्यूट्री सीरियल्स क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है, आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम कंटेंट है, वो कहीं ज़्यादा है सामान्य धान से। तो उसको बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित हुआ 2023 का। केंद्र सरकार से राज्य सरकार दोनों ने एक समन्वित प्रयास आरम्भ किया है। उस प्रयास में मुख्य रूप से हम लोग जो कर रहे हैं, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हट के है, वो ये है कि एक तरफ तो हम किसानों को प्रोत्साहित कर ही रहे हैं कि वो अच्छे बीज लेके और उसको पैदा करें इस खाद्यान्न को, साथ ही साथ हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को भी हम लोग फिर सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आपके लिए जो आवश्यक है, आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, हार्ट की, डायबिटीज़ की, उसको दूर करने के लिए ये जो सीरियल्स हैं, न्यूट्री सीरियल्स या श्रीअन्न, वो बहुत लाभदायक हैं। और अब होटल्स और रेस्टोरेंट में भी धीरे धीरे करके ये चीज पहुंच रही है। अगर यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो ये प्रक्रिया कब से चल रही थी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित हुआ था, उस वक्त ये प्लानिंग शुरू हुई थी उसकी, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर में सीड प्रोडक्शन एक साइकिल होती है अच्छे सीड प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स प्रस्ताव रखा और उसको पिछले साल इसको घोषित किया गया, 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ, तो हम लोग ने उसको घोषित करते ही ये परियोजना तैयार कर ली थी और अब उस पर हम अमल भी शुरू कर दे रहे हैं। दिवेश जी, बड़ी एक शब्द की चर्चा होती है जब कृषि की बात होती है, चाहे केंद्र सरकार का बजट आए चाहे राज्य सरकार का बजट आए, वो जैविक खेती। और ये कहा जाता है कि अब खेती आप सिर्फ आप खेत में नहीं सीखेंगे, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन आप युवाओं को कैसे उससे जोड़ेंगे? अभी भी कुछ किसानों को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम नहीं होता, तो डिपार्टमेंट उसको लेकर कैसे काम कर रहा है कि आप सजग भी कीजिए कि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप बहुत बेहतर तरीके से और इस पर काम कर पाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा आप जैविक खेती के और नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती के सिलसिले में बात करेंगे तो वो एक अलग इशू है, लेकिन सामान्यतः मैं बताना चाहूँगा कि आज की स्थिति में ये आ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ है और उसमें जो वैल्यू एडिशन के जो काम शुरू हुए हैं और जो स्टेट की और राज्य और केंद्र की पॉलिसीज शुरू हुई हैं, उसमें बहुत सारे जो युवा हैं, जो IIM IIT ग्रेजुएट्स हैं या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, अब वो कृषि क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और वो आके हमने देखा है कि वो लोग स्टार्टअप्स डेवलप कर रहे हैं, तरह तरह नए नए स्टार्टअप्स डेवलप कर रहे हैं, तकनीक बता रहे हैं और जो योजना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक था किस खेती किसानों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, वो था स्मॉल फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स। हमारे यहाँ की औसत जो होल्डिंग वो है 0.8 हेक्टेयर से भी कम थी।
तो और कम होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन तो अभी बढ़ ही रही है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पाती थी। तो किसान अपनी चीज़ों को बेचने में और उसका इनपुट कॉस्ट, जैसे कहा जाता है ना कि हम किसान, हमारे देश के किसान क्या है, रिटेल पे तो वो इनपुट लेते हैं और होलसेल पे बेचते हैं, तो वो जो मार्जिन रिटेल का है वो भी नहीं मिल पाता, होलसेल की वजह से वो कम के पे बेचते हैं। तो उसको पूरा रिवर्स करना है, यानी कि इनपुट वो होलसेल पे लें और बेचे रिटेल पे, वो कैसे होगा? यही जो नए नए क्लस्टरिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, FPOs आ रहे हैं, तो खरीद रहे हैं वो होलसेल पे क्योंकि बल्क में खरीद हो रही है इनपुट्स की, अब क्योंकि एक साथ 1,500 किसान कोई चीज खरीद रहे हैं एक क्वालिटी का, और प्रोड्यूस करके वैल्यू एड कर रहे हैं तो बेच वो रिटेल में रहे। तो इस तरह से किसानों को बल्क में जो इनकम होगी वो ज्यादा होगी, और जहां जहां जनपदों में ये स्थिति हुई है वहां पर किसान बहुत खुशहाली की तरफ जा रहा है। संजय जी, आप भी सहमत है इस बात से? और इसी के साथ सवाल ये भी है कि योगी सरकार का अब जोर है कि किसी तरीके से एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये था कि एथेनॉल प्रोडक्शन को हम 10%, फिर 2020 तक 20%, और 2030 तक इसको 30% ले जाए, विच मीन्स ब्लेंडिंग जो पेट्रोल के साथ हो, और ये ग्रीन फ्यूल है। और इसमें एडवांटेज ये है कि जो जैसे गन्ने से शीरा बनता, शीरे से एथेनॉल बनता है, और ये फिर पेट्रोल ब्लेंडिंग में काम आता है। अब इसका डीजल में भी ब्लेंडिंग का एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, अगर वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा तो ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा काम इस देश के लिए। अभी तक हम क्रूड ऑयल खरीदते थे, हम डॉलर्स में पे करते थे और उसका बेनिफिट दूसरे कंट्रीज़ को जाता था, अब हम अपना ही ग्रीन फ्यूल बना रहे हैं, और किसान का जो उपज है, जैसे गन्ना है तो उसका शक्कर बन गया, उसका जो बाय प्रोडक्ट है उससे हम इथेनॉल बना रहे हैं। तो किसान को शक्कर के अलावा हमें जो इनकम देने के लिए या उसका क्विक गन्ने का पेमेंट करने के लिए, शुगर मिल्स की लिक्विडिटी को ठीक करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ है। वैसे तो शक्कर बनता है, मोलासेस बनता है, हम लोग को जनरेशन भी करते हैं, लेकिन अब जो स्मूदन हुआ है वो इथेनॉल से हुआ है। हमने पिछले मतलब यूपी गवर्नमेंट ने पिछले कोविड के बावजूद 40 न्यू इथेनॉल के डिस्टिलरीज का लाइसेंस दिया है। वी नाउ हैव 98 डिस्टिलरीज इन यूपी, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, ऑफ विच 61 डिस्टिलरीज आर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। ये पहले हमारा इथेनॉल का सप्लाई था 20 करोड़ लीटर से नीचे, आज हम 150 करोड़ लीटर दे रहे हैं इथेनॉल टू ऑल द 4 ऑयल कंपनीज, और अगले साल तक हम 300 करोड़ लीटर इथेनॉल देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। संजय जी, जब कोविड का दौर आया तो घर घर हमने चीजें बनती हुई देखी, और सैनिटाइजर बड़ा आम हो गया था। एक वक्त था जब अस्पतालों में ओपीडी तक ही सैनिटाइजर रहता था, लेकिन आपके विभाग ने क्योंकि इथेनॉल पर इतना वर्क किया, इथाइल एल्कोहल WHO से फॉर्मूला उठाया, उस पर काम किया और सैनिटाइजर को भी घर घर तक पहुंचाया, अब भी वो कैसे काम कर रहा है और उससे कितना काम हुआ? देखिए, यूपी में सैनिटाइजर का एक ही कंपनी थी जो बनाती थी, और इसका जो रॉ मटेरियल है ये वेस्टर्न इंडिया से ही आता है, वो आइसोप्रोपिलीन एल्कोहल होता है, और वो बहुत कम मात्रा में बनता है क्योंकि केवल OTs में, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में काम होता था सैनिटाइजर का। लेकिन कोविड में हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो 50 ml की बॉटल 850 रुपये हो गया, और सब ऑपरेशन थिएटर्स जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में बंद हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इस पर कुछ तुरंत काम किया जाए। इसमें दो लाइसेंस होते हैं, एक ड्रग का लाइसेंस होता है जो 2 साल लगता है लेने में, और एक एक्साइज का लाइसेंस को 1 साल लगता है पूरी प्रोसीजर को। और नेशनल लॉकडाउन के बावजूद ये 3 साल की प्रक्रिया को हम लोगों ने 1.5 दिन में लाया, और जब हम लोगों ने फॉर्मुलेशन देखा वर्ल्ड WHO का, तो उसमें 3 फॉर्मुलेशन है, आइसोप्रोपिलीन एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और एक और एल्कोहल का। हमारे पास इथाइल एल्कोहल प्रचुर मात्रा में था इथेनॉल वगैरह बनाने के लिए, तो उसका हम लोगों ने लाभ लिया, और हम लोगों ने 60,000 लीटर अपने लिए प्रतिदिन के लिए टारगेट किया। लेकिन यूपी के चीनी मिलों ने, हम लोगों ने उनको 1.5 दिन में लाइसेंस दिया, और 3 दिन बाद ये बात 23 मार्च 2020 की, और 25 मार्च को 5 चीनी मिलों ने सैनिटाइजर बना के मार्केट में उतार दिया, और आज 98 इंडस्ट्री है जो सैनिटाइजर बनाने की क्षमता रखती है, और 6,50,000 लीटर प्रतिदिन सैनिटाइजर बनाने का यूपी की काबिलियत है, और
चाहे लद्दाख हो, चाहे केरला हो, चाहे गुजरात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट हो, हमने पूरे देश में 28 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज को सैनिटाइजर सप्लाई किया और बहुत ही वाजिब कीमत में 100 रुपीज में 200 ml हम लोगों ने सप्लाई किया, जबकि 50 ml 800 रुपीज का था। देवेश जी, किसानों के मद्देनजर कई तरह की योजनाएं लाई गई है, चाहे उनकी इनकम बढ़ाने की बात हो, उनके सम्मान निधि की बात हो, लेकिन पराली संकट जो कि न केवल एक राज्य की समस्या है, बहुत से राज्यों की समस्या बन चुकी है और किसानों का यही कहना है कि देखिए हमारे पास विकल्प नहीं है, तो यूपी में क्या कदम इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसान, अगर पूरे सारे प्रदेश आसपास के देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबसे कम पराली जलाते हैं, पहले ही वो पराली नहीं जलाते। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो धान होता है वो सुगंधित धान होता है, उसमें बासमती है, अन्य धान है, उसकी पराली का बहुत अधिक मूल्य उनको प्राप्त होता है। लगभग जो मेरा अनुमान था कि 12 से 13 हजार रुपये एकड़ की पराली वहाँ पर बिक जाती है, वो अलग अलग उपयोग में लाती है क्योंकि उसकी पराली की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बाकी क्षेत्रों में जहाँ पर सुगंधित धान नहीं होता, कॉमन धान होता है, वहाँ भी उसका उपयोग पुआल में या अन्य में रहता है। तो ट्रेडिशनली यूपी में पराली किसान नहीं जलाते, जहाँ पर कुछ कुछ जगह जलाने की स्थिति होती भी थी वहाँ पर हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसके इतना फल मिला है कि ये पराली जलाने की घटनाएं 1000 से भी कम पूरे प्रदेश में है पिछले साल। बहुत बड़ी बात, बहुत बिल्कुल। और वो अगर और राज्यों में, जैसे मैंने कहा कि उसके कंपैरिजन में नगण्य है, उसको भी हम न्यूनतम, अच्छा वो भी जो पराली जल रही है वो बल्क में पराली नहीं जलती, वो केवल इकट्ठा करके उन्होंने कहीं पर मेड़ के किनारे जला दी, इस तरह से बहुत कम घटनाएं हुई हैं। उस पर भी हम लोगों ने बिना किसी तरह से उत्पीड़न किए, बिना कोई FIR दर्ज किया, कुछ किया, हम लोगों ने समझा बुझा के ये कमी की है। साथ ही साथ जो पराली को बचाने के लिए यंत्र आते हैं, कृषि यंत्र, फार्म मशीनरी बैंक्स हैं, इन सीटू के जो वहीं के वहीं पर जो उसको दबा के मल्चिंग करके जो है उसको खाद बना देते, उस तरह के बहुत बड़ी संख्या में यंत्र हम लोगों ने वितरित किए हैं और कृषि उत्पादन संगठनों को भी, गन्ना समितियों को भी दिया है, जिससे कि वो उसका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। और जो वेस्ट डिकम्पोजर पूसा IARI ने जो डेवलप किया था, उसका बहुत बड़े स्केल पे करीब 14 लाख वेस्ट डिकम्पोजर्स जो हम लोगों ने इस्तेमाल किए किसानों की पराली को वहीं भजाने, उसका इतना असर रहा है कि प्रदेश में, और मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो उच्चतम न्याय, माननीय उच्चतम न्यायालय हो, चाहे वो NGT हो, चाहे माननीय मानवाधिकार आयोग हो, कभी भी उत्तर प्रदेश को इस बारे में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा कि हमारे प्रदेश में पराली की वजह से किसी तरह का पॉल्यूशन का नुकसान उठाना पड़ा। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ दूंगा कि कृषि जो गन्ने के किसान होते हैं, जो उसके जो पत्ती होती है, कुछ पूर्वांचल में जलाने का परंपरा पूर्व में रहा है, लेकिन पश्चिम में वो पशुपालन करते तो यूपी में नहीं जलाते। मैं देवेश जी से पूर्णतः सहमत हूँ और आपके विभाग से हम लोगों ने 146 जो गन्ना समितियों पे ट्रैश मल्चिंग वगैरह की व्यवस्था की थी, जिसमें वो मिट्टी में ही उसको ट्रैश मल्चिंग कर देते, तो उसमें कार्बन नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी हो जाता और मॉइस्चर भी बच जाता, तो ये एक बहुत लाभकारी योजना कृषि विभाग का रहा है। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के ऐसे ही काम होता है। देवेश जी, यूं तो ये आपके विभाग से जुड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपके विभाग के लोगों को बड़ी परेशान कर रही है, वो ये है कि पशु कैसे, आवारा पशु आते हैं, खेत में घुसते हैं और किसानों को बड़ा नुकसान होता है और ये राजनीतिक मुद्दा भी बना, तो क्या पशुपालन विभाग से बातचीत की गई हो कि इस पर कैसे और ज्यादा काम किया जाए ताकि किसान को बचाव हो, क्योंकि किसान बहुत परेशान हो रहा है, फसल बड़ी हो जाती है उसके बाद आ जाते हैं अगर आवारा पशु तो खराब हो जाता है सब कुछ। देखिए, ये बात दो तरह के पशु निकलते हैं, एक तो जो खुद के अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको छोड़ देते हैं किसान, और दूसरा होते हैं जो वास्तव में आवारा होते हैं, जिनका कोई निराश्रित, जिन्हें हम कहते हैं। तो इन सभी पशुओं को बचाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पशुपालन विभाग की योजना है, जो निराश्रित गोवंश को हम लोग, जो हमारे पशु आश्रय स्थल हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लगभग अब तो करीब करीब 6000 ऐसे गो आश्रय स्थल बने हैं, और जिसमें कुछ वृहद गो आश्रय स्थल हैं, कुछ गांव सभा स्तर के हैं, उनमें इन पशुओं को रख के उनको वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है सारी सुविधाएं, जिससे कि वो वहीं पर रहें। साथ ही साथ एक योजना शुरू की थी कि अगर कोई किसान या परिवार उसको अपने पास सहभागिता में लेना चाहे, अपने यहाँ रखना चाहे, स्पेशली कुछ ऐसे निराश्रित गोवंश थे जो दुधारू थे, तो उनको उनको देके जिससे उनके यहाँ
उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होगा और उनको वो 330 रुपए पर डे का जो धनराशि वो भी मिलेगा, वो उस पर भी बहुत लोग लिया है। और अब जो नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती की जो योजना आई है, उससे इस निराश्रित गोवंश को रोकने में और गौशालाओं को अच्छी तरह से चलाने में बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि अब एक बायो रिसोर्स सेंटर्स की बात हो रही है। मतलब ये है कि नेचुरल फार्मिंग में आप जानते हैं कि गोवंश, गो आधारित जो खेती है उसमें गोबर और गोमूत्र और अन्य तरह की चीज़ों से ही सारे कल्चर्स बन रहे हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन फसल सुरक्षा का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बीज शोधन को। उसमें क्या है कि कुछ फार्मर्स तो पैशनेट कार्य करते हैं, कुछ किसान चाहते हैं कि हम करने हैं जरूर, लेकिन कोई और बना के दे। तो अब ये योजना आ रही है कि जो वहाँ पशु आश्रय स्थल हैं वही एक बायो रिसोर्स सेंटर की तरह काम करेंगे और ये बल्क में ये प्रोड्यूस करेंगे और वो किसानों को देंगे, जिससे मिट्टी में वो बिना रासायनिक खेती के इन कल्चर्स को यूज़ करके, प्रयोग करके नेचुरल फार्मिंग करेंगे, तो मिट्टी की सेहत भी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं होगी और वो गो आश्रय स्थल जो हैं वो जो है ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छी तरह से चल सकेंगे और गोवंश की भी सुरक्षा होगी। तो ये एक तरह से एक तीर से कई निशाने मारने का ये जो योजना इस बार बजट में आई है उससे प्रयास होगा। एक चीज और देखी जाती है कि योजनाएं चला दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी हर सरकार में देखने को मिलती है। अभी 6 साल में आपको क्या बदलाव दिखा, आपने क्या महसूस किया कि वाकई सरकार की तरफ से जो सुविधा है, जो एक बूस्टअप माहौल प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसी की वजह से आपको लगता है कि किसानों को इतनी जल्दी फायदा हो रहा है, रोजगार के अवसर भी साथ साथ मिल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं क्या फर्क पड़ा जो मैंने महसूस किया। जब हम लोग जब जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी रूप में कार्य करते थे, तब जो रबी गोष्ठी खरीफ गोष्ठियां होती थी, बिजली पानी इन्हीं सब समस्याओं में सबसे ज्यादा शोर होता था और किसान आंदोलित रहते थे। आज की स्थिति में जब हम कृषि गोष्ठियां करते हैं तो ना कोई बिजली की समस्या की बात करता है, ना वो नहर के पानी की समस्या की बात करता है, ना वो खाद की कमी की बात करता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि किसान भाई बहन लोग, किसान भाई लोग खड़े होते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि मेरा ये कृषि उत्पादन संगठन का मैं सदस्य हूँ, मैंने ये नए नए प्रयोग किए हैं, अब आपको मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये और करिए तो और बेहतर होगा। तो इस तरह से बदलाव जो हमने देखा है खेती किसानी में, कि जागरूक हुए हैं किसान, मूलभूत जो इनपुट्स की समस्याएं थी वो बिल्कुल खतरनाक है, जीरो हो गई हैं और अब वो लोग कहते हैं कि अब ये करो तो और बेहतर होगा। एक तो ये फर्क हम लोग ने देखा है, दूसरा जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है उससे किसान को घर बैठे बैठे मैसेज आता है। चाहे अभी आपने देखा होगा 23 तारीख को फसल बीमे का सारा पैसा एक साथ जो है उनका जो खरीफ का था, इसकी तारीफ तो विपक्ष की पार्टी भी करती है, वो सीधा पैसा एक साथ उनको प्रदेश में भी लगभग 465 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे किसानों के खातों में गई, जो कि उनकी फसल क्योंकि अनसीजनल रेन्स की वजह से हुई थी। और उस तरह का ये हमें जो हमें और भी योजना है पीएम किसान की मैंने बात की ही, जो डीबीटी से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधा पैसा जा रहा है उससे किसान काफ़ी संतुष्ट नज़र आता है, उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता। और जो एक नया प्रयास डिजिटल एग्रीकल्चर का जो हो रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि उसमें हम लोग का ये हो रहा है प्रयास कि हम लैंड रिकॉर्ड्स को फार्मर डेटाबेस से लिंक कर देंगे, यानी कि जो उसकी खतौनी है और उसका जो खसरा है यानी कि उसमें क्या उगा रहा है वो जब लिंक हो जाएगा हमारे फार्मर डेटाबेस से, तो उसको किसी प्रकार का किसी योजना के लिए सत्यापन कराना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना आधार नंबर या यूनिक आईडी बताया उसके सारा डिटेल कि उनके पास कितनी खेती है, वो कौन किस गांव में है, वो सब सामने होगा। तो अगर वो खरीद बेचने भी गया अपना गेहूं या चावल, तो वहां पर जो क्रय केंद्र में उसको उनको सब डिटेल मिल जाएगा और वो खरीदने में उनको कोई सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। इस तरह की योजनाएं अब जो आ रही है उससे और ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा, टेक्नोलॉजी अब हम गांव गांव तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। संजय जी, आप भी सहमत हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, इस वजह से काम भी स्लो हो जाता था। ये था जैसे हमारे गन्ने में थोड़ी सी स्थिति अलग थी, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं प्रयोग होता था जैसे अन्य कृषि के सेक्टर में, हमारे यहाँ पर्ची की मारामारी होती थी, गन्ना किसान आंदोलित रहता था और सबसे बड़ा एक समस्या था कि पर्ची उसको मिले जिससे वो अपनी गन्ना छिलाई करके चीनी मिल को पहुँचाए। हम लोगों ने उसको पूरा का पूरा उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दिया और कई जितने भी ये इस प्रकार की समस्या थी उसको उसमें उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उसको 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 सॉल्व किया। और आज जो है कोई गन्ना किसान को कहीं नहीं जाना होता है, उसके फ़ोन पे उसके ऐप पे वो देख लेता है या घर में कंप्यूटर टैबलेट जो भी है अधिकांश फ़ोन के ऐप पर
कि उसको अपनी पर्ची पता चल जाती है, वो सर्वे से जो सबसे पहले गन्ने का सर्वे होता, सर्वे होते ही उसको पता चल जाता है कि मेरा सर्वे हो गया, मेरा इतना गन्ना है इस टाइप का, एक इतनी क्वांटिटी है। इसी के साथ साथ उसका कब उसकी पर्ची आएगी उसको पता चल जाता है, उसको पर्ची अपने आप आ जाती है, अपना समय से गन्ना छीलता पहुंचाता है। और जो 2017 में हम लोगों ने, तब हम लोग 650,000 टन गन्ना पेराई करते थे, 2017 में जो नीति परिवर्तन किए तब हम लोगों ने 2017-18 के पेराई सत्र में 650,000-700,000 टन से हम सीधे के सीधे 1,100,000 टन पे पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि जो गन्ना किसान अपना आधा ही गन्ना के चीनी मिलों को दे पाता था, एक तो उस नीति के कारण और जो स्मार्ट गन्ना किसान आया सॉफ्टवेयर, हाँ। उसके कारण वो पूरा का पूरा डिजिटाइज हो गया, हाँ। और मैं शहरी लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग भ्रांति में मत रहिए, हमारे गन्ने के जितने किसान हैं 60 लाख, जिसमें से 46 लाख हर साल गन्ना देते, वो सब के सब टेक्नोलॉजी सेवी है, मतलब और के साथ आपने टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नई क्रांति की है। और अगर आप ऐप स्टोर पे जाके देखोगे तो 46 लाख से ज्यादा किसानों ने अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड किया है, तो ये अपने आप को प्रमाणित करता है कि हमारा कोई गन्ना किसान डिजिटली लिटरेट नहीं है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है कि कृषि और गन्ना क्षेत्र में टेक्नोलॉजी भी जुड़ रही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों